जो लेजिस्लेशन होता है उसको कॉमन मीनिंग बोले तो मेकिंग ऑफ लॉ होता है. एक लैटिन वर्ड है जिसको जिसका मीनिंग होता है द लॉ मेकिंग बॉडी. ठीक है ना, जो हमारा लेजिस्लेशन है अगर उसकी बात करें तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है जिसमें हमारी तीन अलग अलग जगह पावर्स को सेपरेट किया गया है, डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज लेजिस्लेशन, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशरी. और लेजिस्लेशन उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सेपरेशन ऑफ पावर में. ठीक है ना, लेजिस्लेशन को बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ कहा जाता है, इसको सबसे अच्छा सोर्स ऑफ लॉ भी कहा जाता है. फिर हमारे कुछ जुरिस्टों ने लेजिस्लेशन के ऊपर अलग अलग बात की है कि ऑस्टन ने कहा कि लेजिस्लेशन इज सोर्स ऑफ लॉ व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ डेलीगेशंस ऑफ लीगल रूल्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज. इनका कहने का मतलब था कि ऐसी अथॉरिटीज ये लॉ बनाती है जो काफी ज्यादा अच्छी होती है, जिनको एक्सपीरियंस वगैरह होता है, ऐसा कहा जाता है. अगर सैलमन की बात करें तो सैलमन ने लेजिस्लेशन को है ना तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया. उनके हिसाब से लेजिस्लेशन के तीन अलग अलग सेंस होते हैं. अगर उनके वाइडर सेंस से कहें कि ऑल मेथड ऑफ लॉ मेकिंग, जो जो लोग लॉ बनाते हैं वो आ जाएंगे, लाइक चर्च बनाते हैं, हमारे पार्लियामेंट बनाते हैं. लेजिस्लेशन का पार्ट बता रहा है. और थर्ड बताता है कि मेकिंग ऑफ रूल्स एंड लॉ टू बी फॉलोड एंड एनफोर्स इन कोर्ट ऑफ स्टेट. ऐसे लॉ जिनको फोर्सफुली इन्फोर्स कराया जाता है, स्ट्रिक्ट सेंस में इन्फोर्स कराया जाता है. अगर हम लॉ को स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो नहीं करवाएंगे तो लोग उनको लाइटली लेंगे. ठीक है ना, इस वजह से अगर काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन की बात करें, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन. फर्स्ट वन इज सुप्रीम, सेकेंड इज सबॉर्डिनेट, थर्ड इज डेलीगेटेड, फोर्थ इज कंडीशनल. सुप्रीम बहुत ईजी है. सुप्रीम का मतलब होता है when the law are directly enacted by the subordinate, it is considered as supreme legislation. Subordinate आपको पता ही है, हमारा इंडिया जो subordinate state है इसमें जो law government बनाती है, अगर ऐसे law जो directly enact कराए जाते हैं government के द्वारा उसको supreme legislation कहते हैं. One of the feature of supreme legislation is that no other authority except the subordinate itself can't control or check it. इसका मतलब ये है कि जो हमारा सुप्रीम लेजिस्लेशन है वो जो लॉज है उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, बट उनको चेक कर सकता, वो सॉरी उनको कंट्रोल कर सकता है और उनको चेक कर सकता है. ठीक है ना. थर्ड है इसमें द लॉ इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉल इन दिस कैटेगरी. आपको पता है ब्रिटिश पार्लियामेंट थी पहले, इंडिया गवर्नमेंट आने से पहले, इंडिया आजाद होने से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश सुप्रीम था. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये लॉ बनते थे और उसको सुपीरियर माना जाता था. सेम हमारे गवर्नमेंट में माना जाता है, इंडिया गवर्नमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो. The law enacted by Indian Parliament also fall in the same category. हमारे इंडिया पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा बनाते हैं, लोग गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में सुप्रीम लेजिस्लेशन में आते हैं. ठीक है ना. और कहा जाए इंडिया के पार्लियामेंट के पास पावर है उनको रेगुलेट करने की, कंट्रोल करने की, कॉन्स्टिट्यूट करने की. ठीक है ना, जो हमारा इंडिया पार्लियामेंट है वो लॉ को बना सकता है, उसको रेगुलेट कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है और उसे कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकता है, इनेक्ट कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है. ये सारी पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है. तो ये था हमारा सुप्रीम लेजिस्लेशन. अब हमारे बाकी की जो लेजिस्लेशन है, जो सबॉर्डिनेट, डेलीगेटेड और कंडीशनल है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसके काफी सारे पार्ट है, उसको डिवाइड किया गया है कुछ क्लासिफिकेशन में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.